हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों बैटरी चेक करने का हाइड्रोमीटर, इससे हम बैटरी की कंप्लीट ए से लेकर जेड तक की जानकारी हम इससे पता कर सकते हैं। क्या क्या पता कर सकते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है दोस्तों। एक मात्र 100 रुपये का हाइड्रोमीटर है, 100-150 रुपये दोस्तों। अब इस हाइड्रोमीटर से हम बैटरी को चेक कर सकते हैं। छोटी बैटरी से लेकर बड़ी बैटरी, इन्वर्टर की बड़ी बैटरी, सभी को हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि इससे हम चेक करेंगे हमारे बैटरी में पानी कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में हम पानी का भी पता कर सकते हैं। बैटरी की ग्रेविटी कितनी है, बैटरी का कंडीशन कैसा है, कितने साल की बैटरी होगी और कितने साल और चलने वाली है दोस्तों, ये सारी कंप्लीट तरीके से हम इसकी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। बैटरी 0% से लेकर 100% चार्ज है, कितना परसेंट चार्ज है, स्टार्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, सारी जानकारी हम इसके अंदर हम ये बता रहे हैं दोस्तों। इन्वर्टर की बैटरी होगी, कुछ भी हो, XYZ स्टार्ट नहीं हो रही है और मिस्त्री के पास हम गए, मिस्त्री ने बोल दिया बैटरी ख़राब हो चुकी है, जबकि उन्होंने हमारी बैटरी नई डाल दी है 8000 रुपये की, फिर भी वही प्रॉब्लम आ गई कुछ दिनों बाद। ऐसा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, बहुत सारा वीडियो में ऐसा कमेंट आया है, हमने नई बैटरी डलवा दी है मिस्त्री के कहने पर फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। और जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर के अंदर जो डिग्री होती है ये वाली, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। क्या कर सकते हैं, बैटरी का जो पानी होता है ना, उस पानी की हम ग्रेविटी देखते हैं इसी डिग्री से, इस डिग्री से हम ये पता कर सकते हैं दोस्तों। ये नंबर के बारे में बता देता हूँ, ये 1100 नंबर है दोस्तों, इस वाली रेड कलर की पट्टी के अंदर ये 1100 है, इसको 1100 बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि हम वाटर लेवल, हमारा ये 1100 लेवल पर आ रखा है रेड कलर की पट्टी के ऊपर यहाँ पर, तो हमारी जो बैटरी होती है जो दोस्तों जो कितने परसेंट चार्ज हैं, रेड कलर के अंदर 1100 के ऊपर आ रखा है वाटर का लेवल, तो ये हमारी 25% चार्ज है दोस्तों, डिस्चार्ज होती हैं लेकिन 25% ही करंट रहता है। और वैसे ही जैसे आगे हम आते हैं 1150 ग्रेविटी, ठीक है, इस टाइप की है, यहाँ पर है दोस्तों 1150 लेवल आता है वाटर लेवल, तो यहाँ पर इसकी ग्रेविटी होती है दोस्तों 1150 ग्रेविटी होती है, जिसके अंदर हम माप सकते हैं 50% चार्ज है दोस्तों, 50% चार्ज हो गई है। और ये लेवल यहाँ तक अगर होता है, यहाँ पर 1200 तक ब्लू कलर के अंदर ही 1200 तक इसका लेवल होता है, तो यहाँ पर 75% चार्ज हो जाती हैं। और जब ये येलो कलर के अंदर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये 1300 और 1250 ग्रेविटी है, तो यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों लगभग चार्ज हो चुकी हैं। और यहाँ 1300 ग्रेविटी तक आ गई हैं, 1300 ग्रेविटी तक यहाँ का वाटर लेवल आते हैं, तो 100% पूरी चांस है कि पूरी कंप्लीट फुल चार्ज है दोस्तों, इस चीज़ से हम इसको तय कर सकते हैं दोस्तों। और वाटर लेवल दोस्तों यहाँ पर आ रखा है, तो इसका मतलब काफ़ी डिस्चार्ज है बैटरी हैं, कुछ परसेंट ही, 10-15% ही चार्ज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि ये बिल्कुल ही ग्रेविटी उठ नहीं रहा है, ठीक है, ये ऊपर नहीं आ रहा है वाटर लेवल के अंदर, ऊपर नहीं आ रहा है बिल्कुल वाटर लेवल, हमने पंप के अंदर ग्रेविटी मीटर के अंदर जैसे वैक्यूम किया हमने, और ये ऊपर नहीं आया, डूबा का डूबा ही रह गया है, तो ये हमारी बैटरी पूरी की पूरी डीप डिस्चार्ज है दोस्तों सभी सेल के अंदर। तो आपको क्या करना है, जैसे कि सभी सेल होते हैं, 6 सेल होते हैं, 6 सेलों के ढक्कन को किसी सिक्के से आपको खोल लेना है, ठीक है, इस सिक्के से खोल कर हम इसका वाटर लेवल देखेंगे, ठीक है। ये हमने इसकी डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से जानकारी कोई नहीं देता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी अच्छी है दोस्तों, ठीक है, स्किप नहीं करना। अब जैसे कि मैंने इस सभी बैटरी की सेलों को हम ग्रेविटी चेक करेंगे कितना परसेंट चार्ज है दोस्तों, ठीक है। वैसे तो इंडिकेटर आता है इसके अंदर, लेकिन एक ही कंडीशन के बारे में, सेल के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जिससे हम बैटरी की ग्रेविटी हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले वाटर लेवल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर वाटर पानी इसके अंदर अच्छे से आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये बैटरी का पानी का लेवल बराबर है, अगर हम इसको ले रहे हैं पानी ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसका पानी कम हो जाता है दोस्तों। जब तक इसके अंदर आसानी से इजी पानी आ रहा है इसके खींचने से, तो पानी बराबर है दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1200 ग्रेविटी इसके अंदर चार्ज है दोस्तों, ठीक है, हल्की सी कम है, 80% के लगभग लगभग ये बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब सभी सेलों को चेक करने के लिए जितना वाटर लेवल इसके अंदर आया है 1200 का, सेम टू सेम सभी के अंदर होना चाहिए। तो इसके 6 सेलों के अंदर ऐसी ग्रेविटी होगी 6 सेलों के अंदर, तो ये हमारी जो बैटरी एकदम ओके है, एकदम कंप्लीट है, कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये 80-90% ये कंप्लीट चार्ज हो चुकी हैं, ये 1200% आ रखी है इसमें भी। इसी तरीके से हमें सभी के अंदर 6 सेलों के अंदर हमें चेक करना है दोस्तों। अगर किसी भी एक सेल के अंदर कम ग्रेविटी आई है तो बैटरी ज़्यादा चलने वाली नहीं है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम करेगी कुछ दिनों बाद, है ना, राउंड लेके स्टार्ट होएगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि हम इसको खींच लेते हैं और ये ग्रेविटी बिल्कुल वाटर लेवल यहाँ पर आ रखे हैं, कई बार यहाँ पर होता है। अगर एक बार डीप डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी तो कम्प्लीट ये चार्ज नहीं होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ये कम्प्लीट है, तैयार है, 80% ये कम्प्लीट चार्ज हो चुकी हैं और ये बैटरी एकदम सभी के अंदर बराबर फिक्स ग्रेविटी है दोस्तों। ये हमारी बैटरी एकदम कम्प्लीट है दोस्तों, ठीक है, ऐसे सभी के अंदर 1200 ग्रेविटी आ रखी है दोस्तों। इस इंडिकेटर के बारे में मैंने पहले बता दिया, इसकी वीडियो बना दी है, लेकिन कंडीशन पूरी कंप्लीट जांच नहीं हो सकती है। देखिए हाइड्रोमीटर से सिर्फ इसी से हम बैटरी को चार्ज कंप्लीट तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारी वीडियो से कुछ आपको समझ में आया होगा और आपकी कंपनी की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कुछ हेल्प हुई होगी और ये आपको जानकारी मिली है हमारी बताने से, आपका फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो और ढेर सारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा चीज़ से। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।